Hello students, so today we will solve the mock test 3 question paper. So now let's get started. Theek hai, chalo, ek second. Haan, to ye first wala jo question hai, you have already learned it in your plant kingdom ka jo chapter hai, usi mein tum log ko ye pata chal gaya tha. है ना, द पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्वाटिक एंसेस्ट्री और ब्रायोफाइट इज कौन सा वाला होगा. ब्रायोफाइट का पॉजिटिव एंसेस्ट्री मतलब देखो यहाँ पे बेसिकली ये बोलने के लिए ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइट का हो सकता है. ठीक है, थ्रेड लाइक प्रोटोनिमा, ग्रीन कलर, सम फॉर्म्स आर स्टिल एक्वाटिक, सिलिएटेड स्पर्म. कौन सा वाला सिलिएटेड स्पर्म? ओह गॉड, ये कौन सा कहाँ से आ गया. ठीक है, सो सिलिएटेड स्पर्म विल बी देयर, राइट. सो इफ यू आर द आस्क्ड टू स्पेसिफाई क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स यू शुड चूज. ठीक है, तो कौन सा वाला कैरेक्टर्स यू शुड चूज, किस चीज को डिस्टिंक्ट ग्रुप में अगर क्लासिफाई करना है तो फिर हम लोग किस बेसिस में करेंगे. ठीक है, टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल and nature of stored food material of the cell, structural organization of thallus, ये तो होगा ही नहीं, chemical composition of the cell wall, ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम ही होगा. नेचर ऑफ द स्टोर्ड फूड मटेरियल ये वैरी करता है, ठीक है, कभी कभी कॉमन हो जाता है. तो बेसिकली किस बेसिस में हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, इस हिसाब से किए थे, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, टाइप ऑफ पिगमेंट्स के बेसिस में. नाउ टाइप ऑफ पिगमेंट्स, अच्छा हाँ, ऑब्जर्व द बिलो डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ए, बी एंड सी. तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम फ्लावरिंग, फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, राइट. सो ये वाला है क्या, दिस इज ए, दिस इज बी. सो ए में हम लोग क्या देखेंगे, ये वाला, बी वाला जो रीजन है, दिस इज वेरी, मतलब पूरा सेक्शन ही पूरा इजी है. सो सी में भी हम लोग क्या देखेंगे कि रीजन ऑफ इलोंगेशन तो नहीं होगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ओके, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सी इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, राइट. तो सी एक ही ऑप्शन से आपको पता चल गया कि डी विल बी द आंसर, राइट. रीजन ऑफ इलोंगेशन ए भी है और बी है क्या, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन. ठीक, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एक सेकेंड, लेट मी चेक. हाँ ठीक है, ओके. यस, अब this one. So which of the following is not character, not a characteristic feature? ठीक है, कौन सा वाला characteristic feature में नहीं आएगा, किस चीज का, फैबिसी का. सो डिसेंडिंगली इम्ब्रिकेट टेन स्टैमिन्स, तो बेसिकली ये कहाँ से है, ये भी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से है, जहाँ पे फ्लोरल फैमिलीज के बारे में लिखा हुआ था और वहाँ पे फैबेसी के बारे में हम लोग देखे थे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पर प्रेजेंट है, और वही कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे उठा के फिर दिए हैं. ठीक है, नथिंग एल्स. So descendingly indicate 10 stamens, diadelphus, ovary superior, ये तो नहीं होगा, sepals 5, gamosepals, imbricate estivation and placentation marginal. Okay, monocarpillary, ovary superior and ovary superior, style long, slightly bent at the apex. Corolla 5 petals, polypetalous, anterior 1 large and the outermost. This will be the answer. Now masters belong to the family and these main characters are Brassicaceae. Obviously Brassicaceae will be the answer, right? So master बहुत ही common है एक Brassicaceae के बारे में. Brassicaceae के अगर हम लोग example देखें तो उस हिसाब से तो A and B
could be the answer. ठीक है, ए और बी. सो ट्रेट्रामेरस फ्लावर, सिक्स स्टेमिन्स, बाइकार्पलरी गाइनोशियम एंड सिलिका टाइप फ्रूट. ऑफकोर्स दिस इज पेंटामेरस फ्लावर्स, मेनी स्टेमिन्स, पेंटाकार्पलरी. ओके नो, ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है. Now, यहाँ पे अगर ये भी एक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से किया गया है तो ये सब तो ये बहुत ज्यादा इजी है. जैसे कि ई इज द वैक्सिलरी, ई कहाँ कहीं पे भी है. अच्छा, ई कहीं पे भी नहीं दिया है. डी डी इज द एम्ब्रिकेट, डी वैक्सिलरी ये तो होगा ही नहीं. ठीक है, डी वेलवेट, डी एम्ब्रिकेट. ओके सो यहाँ पे डी कैसे वैक्सिलरी हुआ? This is not vexillary. The answer is wrong. Okay. The answer is wrong actually. ठीक है, ये वाला question ही गलत है. ये वाला question ही गलत है. Actually ये कुछ कुछ यहाँ पे option में कुछ गलत हो गया है. ठीक है, चलो इसको skip करते हैं. हाँ, now the next question. Okay, so in the given TS of dicot leaf, identify A to E and choose the correct option. So A, B, C, D. Acha, dekho, yahan pe hai A. A is, acha, this portion ko A bataye hain. Now, C mein agar hum log dekhe, to C is the palisade parenchyma ke paas, right? Palisade mesophyll. Okay, so C sab ke paas same hai. So C ko koi भाव नहीं देगा. डी में स्पॉन्जी मेसोफिल. ओके फाइन, डी भी सबके पास सेम है. उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ओके सो ई इज टोमाटा और हाइड्रोथोड्स, कौन सा वाला होगा? ई इज टोमाटा, तो डी वाला ऑप्शन तो पहले ही गायब हो गया. अभी हम लोग के पास है क्या? ए बी एंड सी. ओके, नाउ ए क्या है और बी क्या है? बी इस जगह में इसको डिनोट कर रहा है. सो ओके देखो, इसको पहले हटा देते हैं. नाउ बी यहाँ पे आ रहा है, सो दिस कैन बी. वैसे तो अच्छे से तो मतलब दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ पे गया है. सो ये अंदर की तरफ गया है और ये बाहर की तरफ आया है. सो ऑटोमेटिकली बी जाइलेम हो सकता है एंड ए विल बी द फ्लोएम वन. ठीक है, Yes. यहाँ पे ऑप्शन देखो. अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है. ये भी ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है बिकॉज ये दोनों ऑप्शन सेम है. बोथ टू ऑप्शन आर सेम. ओके सो ये क्वेश्चन भी कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनल with an internal cross section showing characteristic 9+2 morphology. Okay, so 9+2 morphology हम लोग मॉडल के साथ बहुत अच्छे से सेल बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़े थे. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? तो वहां पे हम लोग पढ़े थे 9+2 के मॉर्फोलॉजी. वहां पे अंदर में एक अंदर में हब किसमें था? 9+0 के अरेंजमेंट में. और यहाँ पे हम लोग देखे थे कि अंदर में दो प्रोटीन फाइबर है और बाहर में दो दो करके था. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग किसके मतलब बेसिकली वो चीज का नाम क्या था, कौन से ऑर्गेनिज्म हम लोग देखे थे? सीलियम और फ्लैजेडम में, राइट? तो वहां पे हम लोग देखे थे जो बेसल बॉडी था, बेसल बॉडी में क्या अरेंजमेंट था? 9+0. और जो सीलिया एंड फ्लैजेला था उसमें अरेंजमेंट था 9+2 का अरेंजमेंट, है ना? एक्सोनिम था बीच में. नाउ डबलेट्स, सो स्वान प्रपोज्ड cell theory according to which, okay, so Swan proposed cell theory, jo kiske basis mein wo cell theory ko propose kiye the? Each cell of the body possesses the same genetic information. Nahi, tab tak genetic information ke bare mein kuch nahi pata tha. Tab to sab matlab cell kya hoti hai aur cell ke bare mein kya hum log pata hai aur cell kisko bolte hain, uske basis mein bahut zyada baat ho rahi thi. All life activities of the organisms are present in miniature form
form in each and every cell of its body. And bodies of animals and plants are made up of cell and their products. Yes, this is correct. A new cell always develops by a division of pre-existing cells. ये स्वान का नहीं था, basically स्वान का था ये वाला, ठीक है. इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है उसका. ओके, सो नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. नर्व सेल्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सेल्स. बैक्टीरिया आर 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ. द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. And mycoplasma is the smallest cell, 0.3 micrometer in length. Okay, so this is the correct option. क्योंकि यहाँ पे length भी obviously ये भी देख लेना, बस इसका नाम मत देखना. ये भी देख लेना कि उस यहाँ पे जो bracket में जो लिखा है ये 3 micrometer तो नहीं लिखा है, या तो फिर जो particular होना चाहिए वो ब्रैकेट में प्रॉपरली लिखा गया है नहीं. क्योंकि मेन सेंटेंस में कभी कभी गलत नहीं देते हैं, लेकिन ब्रैकेट में कुछ गलत दे देते हैं और फिर वो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, मतलब पूरा ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है. सो द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, दिस इज ऑल्सो राइट. बैक्टीरिया आर 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ, दिस इज ऑल्सो राइट. नर्व सेल आर द स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ ऑल सेल, नो ये बहुत लॉन्ग होती है, राइट. सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Now, why metabolic pathways are comparable to automobile traffic in a city? Well, let's see. Because they have definite direction. Okay, because they result in clumsiness. No, metabolic activity never results in clumsiness. And because they result in massive production of toxic compound. Massive production of toxic compound. No, none of the above to hoga any option. So, this is the correct option. क्योंकि वो ऑब्वियसली नन ऑफ द अबव भी हो सकता है ऑप्शन में, लेकिन एक्चुअली वो ऑप्शन राइट है. नाउ फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल रिफिट. ओके, ये तो सॉल्यूशन था. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. द लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट एंड टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. And the constant flow of material for energy in and out of the cell prevent the cell from reaching equilibrium. Yes, living state and metabolism are synonymous. Yes, क्योंकि metabolism अगर नहीं हो रहा है तो वो plant. Hi, Mathematica Online. कैसे हो? How are you? Good evening. Welcome to the session. बहुत दिन बाद तुम मिल रहे हो. Happy to see you. So, देखो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है. ऑल आर करेक्ट. सो ऑब्वियसली ऑल आर करेक्ट. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल साइकिल इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. तो इक्वेशनल डिवीजन मतलब एक सेल से दो सेल होती है, नॉर्मल होती है. ठीक है, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n 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 किसमें होता है? ये माइटोसिस में होती है. सो माइटोसिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. बहुत इजी इजी क्वेश्चन है. कुछ इजी क्वेश्चन है लेकिन दो गलत क्वेश्चन निकल गए, है ना. चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे 14th. 14th में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सेल्स इन जी नॉट स्टेज ऑफ सेल साइकिल. सेल्स इन जी नॉट स्टेज आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव. ओके, नहीं, एक्चुअली नहीं, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. And cells are metabolically inactive. ये तो बहुत ही अजीब सा है. Cells are metabolically active but no longer proliferate in normal condition. This is अच्छा, किस चीज के लिए? अच्छा, G not stage में. Yes, this is correct option. None of, नहीं, C is the correct option. So if the cell has 14 chromosome in interphase, तो interphase में कितना chromosome है? 14 chromosome है. So देखो chromosome number and chromosome के DNA quantity, ठीक है, ये सब ध्यान में रखना. यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर बोले हैं, क्रोमोसोम की क्वांटिटी या तो फिर डीएनए की क्वांटिटी इसके बारे में नहीं बात किए हैं. क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सेल. ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो जब सिंथेसिस फेज चल रही है या तो फिर डीएनए रेप्लिकेशन जिस टाइम में चल रही है उस टाइम में 23 पेयर्स से बढ़ के वो मतलब 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं. ऐसा नहीं होता है, ठीक है, या तो फिर 23 पेयर्स से घट के या कुछ अलग हो गया, 13 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हो गया, ये कभी नहीं होता है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑलवेज सेम थ्रू आउट द लाइफ. भले ही किसी का बर्थ हो रहा है या किसी का डेथ हो रही है, थ्रू बर्थ टू डेथ
पूरा जो उनका लाइफ साइकिल है उसमें क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इफ द सेल हैज 14 क्रोमोसोम एट इंटरफेस देन हाउ मेनी क्रोमोसोम विल देयर बी एट G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो अगेन कि हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम नंबर है कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ में आप जाए, G0, G1, माइटोटिक, मियोसिस, ठीक है, किसी भी नंबर ऑफ स्टेज में आप जाए, ऑलवेज 14 विल बी द आंसर, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। नाउ इसके बाद वाटर चैनल आर प्रोसेस्ड बाय मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। दीज चैनल्स आर मेड अप ऑफ 8 सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन, 8 सिमिलर एंड 8 डिफरेंट एक्वापोरिन, 8 सिमिलर एंड 8 डिफरेंट एक्वापोरिन। अच्छा, डू नॉट पॉसेसेस एनी वाटर चैनल, ओके, सो 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन विल बी द आंसर, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपहिल ट्रांसपोर्ट इज अ टाइप ऑफ कैसा है, एक्टिव है, फैसिलिटेटेड है, पैसिव है, एक्टिव। अपहिल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब अगेंस्ट द ग्रेडियंट, मतलब आप लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए उसको बोल रहे हैं कि अपहिल ट्रांसपोर्ट। जब हाई से लो की तरफ जाएंगे, मतलब आप ऊंचे से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द अपहिल ट्रांसपोर्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, मिनरल के डेफिशिएंसी की वजह से क्या नहीं होता है, क्लोरोसिस, इथियोलेशन। क्लोरोसिस तो क्लोरीन के डेफिशिएंसी के लिए होती है, राइट, ये तो पता ही है। नेक्रोसिस भी पता है हम लोगों को, ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे। एंड आफ्टर दैट शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स, ये भी मिनरल के लिए ही होती है। इथियोलेशन इज बेसिकली अ सिम्टम्स डेवलप्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। अगर वो लोग डार्क में रहे तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही फीका पड़ जाते हैं, मतलब उनका कलर जो होती है, कलर पिगमेंट्स डेवलप नहीं होता है, और वो बहुत जल्दी, मतलब उनका जो हाइट है वो भी कम हो जाता है। इथियोलेशन इज अ deficiency of you know like a disease, या तो फिर disease with disorder बोल सकते हैं, जिस जो अगर आप कोई भी plant को अगर dark में रख रहे हैं, ठीक है, तो you can differentiate, मतलब आप दो plant को अगर आप रखते हैं, plantation करते हैं, एक को normal धूप दे रहे हैं, natural temperature वगैरह बाकी सब वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, और दूसरे को आप dark में रख रहे हैं और वहां पे आप सब कुछ provide कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर सनलाइट है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा फीका पड़ जाता है, मतलब बहुत ही पेल येलो, मतलब वो एकदम येलो टाइप का भी नहीं होता है, एक वाइटिश टाइप का अजीब सा कलर हो जाता है, काइंड ऑफ रूट का कलर जैसा होता है ना, वैसा टाइप का हो जाता है, उसमें कलर पिगमेंट ठीक से डेवलप नहीं होता है, और क्लोरोफिल भी नहीं हो पाती है, और बहुत ही अजीब सा, मतलब लॉन्ग इंटरनोड्स एंड स्मॉल रुडिमेंटरी लीव्स, तो अजीब अजीब सा दिखता है, मतलब एकदम जैसे कि वो प्लांट को ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, इसके पास बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पत्ते होने चाहिए थे, ऐसा टाइप का, वो ऐसा होगा कि बहुत ही लंबा लंबा हो जाएगा, और लेकिन उसके पास पत्ते इतने छोटे 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 से होंगे, अजीब सा हो जाता है वो प्लांट दिखने में, मतलब वो प्लांट प्लांट जैसा दिखता ही नहीं है, झाड़ जैसा अजीब सा दिखता है, झाड़ू जैसा दिखता है। पेप कार्बोक्सिलस इज इन्वॉल्व्ड इन एटलीस्ट सेम कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग कहाँ पे देखते हैं पेप कार्बोक्सिलस को, सीवर प्लांट में, राइट, तो इज इन्वॉल्व्ड इन एटलीस्ट सम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन बोथ C3 एंड C4। ये तो गलत ही होगी, पूरा सेंटेंस ही गलत है, C3 में तो नहीं होगा, C4 में होगा। कैटलाइजेस the reaction of fixing CO2 into pyruvic acid in bundle sheath cell, catalyzes the reaction of fixing carbon dioxide in pyruvic, ये तो mesophyll cell में करती है ना, करती है बोल रही हूँ मैं, whatever, क्या पता वो he है या she है, so ये तो होता ही नहीं है, ठीक है, bundle sheath cell में pep carboxylase नहीं आते हैं, mesophyll cell में होता है। is capable of fixing carbon dioxide more efficiently at lower atmospheric concentration then RUBP carboxylase, yes, this is the correct answer, hai na, so only 3 will be the correct answer. Now factors affecting photosynthesis are, to hum log kya dekhenge ki kaun se factors photosynthesis ko affect karte hain, so chalo, factors affecting photosynthesis are
number and size of leaves, age and orientation of leaves, amount of chlorophyll and amount of oxygen and carbon dioxide. ठीक है, तो कौन से वाले चीज फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करती है. तो क्या क्या हम लोग पढ़े थे जो हम लोग फोटोसिंथेसिस के एकदम लास्ट वाले पोर्शन में था, जैसे कि टेम्परेचर इफेक्ट करता है ना, कितना आपकी कितनी सनलाइट है, वाटर है. तो बेसिकली सनलाइट तो कभी इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं है, क्योंकि वो लिमिटिंग एजेंट होता नहीं है, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा सनलाइट तो मिल ही जाता है. इतना छोटा सा सनलाइट से भी हम लोगों का काम चल जाता है, हम लोगों का नहीं प्लांट का काम चल जाता है. ठीक है, तो इसीलिए नंबर एंड साइज ऑफ द लीव्स, यस. एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स, यस. अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, यस. एंड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यस. दिस इज, तो ये सब कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5 तक. ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे द रेस्पिरेटरी क्वोशेंट. रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ऑफ सम ऑफ द कंपाउंड्स आर 4, 1 and 0, 7. दीज कंपाउंड्स आर आइडेंटिफाइड रेस्पेक्टिवली एज, देखो यहाँ पे एक काम किया गया है. ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट के हिसाब से यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ऐसा किया गया है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इनको रख दिए गए हैं. ठीक है, और उनके हिसाब से यहाँ पे नाम दिया गया है, और फिर यहाँ से रेस्पिरेटरी क्वोशेंट के बारे में पूछा गया है. ठीक है, सो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, यहाँ पे तुम लोग पहले सोल्यूशन देखो. वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हो रहा है और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज कितना हुआ है. तो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कितना रहता है, 1. प्रोटीन का 0.8, फैट का ट्राइपैल्मिटिन का 0.7, मिक्स्ड डाइट अगर हो रही है तो वहां पे हम लोग देखते हैं 0.85, एंड ऑर्गेनिक एसिड का होती है 4. ठीक है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड. तो अगर ये वाला पोर्शन आपको पता है, ठीक है, ये वाला अगर पोर्शन मतलब ये वाला चार्ट अगर आपको पता है, देन यू विल इजीली सॉल्व दिस. आपको बस बायोमोलिक्यूल्स से पता चलेगा कि कौन सा वाला क्या है, राइट, फैट कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, प्रोटीन कौन सा है, बस आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा. बाकी आपको अगर ये वाला पोर्शन पता है, देन यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन करेक्टली. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा वाला होगा, तो फिर 4 वाला होगा क्या, ऑक्सैलिक एसिड, राइट, एंड 1 होगा, दैट वन इज कार्बोहाइड्रेट, एंड 0.7 इज द फैट, दैट इज ट्राइपैल्मिटिन. तो किसमें है, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ट्राइपैल्मिटिन, हो गया. नाउ स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू कंफर्म द रिलीज ऑफ वोलाटाइल. किस चीज का वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम, अच्छा, हु वाज द फर्स्ट टू कंफर्म द रिलीज ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स. हु डिस्कवर्ड काइनेटिन फ्रॉम हेरिंग स्पर्म, एंड हु डिस्कवर्ड जिबरेलिक एसिड. ठीक है, देखो ओके, सो हु डिड हु, राइट, सो हु डिड हु में हम लोग क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आंसर द गिवन क्वेश्चन. सो हु डिस्कवर्ड द इथिलीन, बेसिकली किसने किया था, कजिन ने. हु डिस्कवर्ड काइनेटिन फ्रॉम हियरिंग स्पर्म, मिलर एंड स्कूट, एंड हु डिस्कवर्ड जिबरेलिक एसिड, कुरोसावा. विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन नॉन डे लॉन्ग डे प्लांट्स. तो कौन इंड्यूस करता है लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को, जिबरेलिन. दीज आर द फंक्शनल क्वेश्चन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. In the absence of enterokinase, the digestion of dash would be affected in our intestine. Okay, abhi hum log aa gaye hain animal physiology mein, that is digestion. Theek hai, to kaun se wale agar absence of enterokinase, kis cheez ka absence mein the digestion of dash, sorry, in the absence of enterokinase, digestion of which of the मॉलिक्यूल वुड बी अफेक्टेड इन आवर इंटेस्टाइन. बेसिकली एंटेरोकाइनेस किस चीज को डाइजेस्ट करता है, ये है मेन क्वेश्चन. ठीक है, तो क्या होगा, मैल्टोज, अमीनो एसिड, एल्ब्यूमिन.
स्टार्च ओके फाइन। चलो बैम्बू प्लांट फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, एक बार ही वो फ्लावर करते हैं। जनरली 50 to 100 ईयर्स प्रोड्यूस लार्जर नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। ब्लू स्ट्रेचेस वेर फॉर्म्ड बाय फ्लावरिंग ऑफ प्लांट स्ट्रॉबिलैंथस इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इफ इट फ्लावर्स वंस इन हाउ मेनी ईयर्स? ये बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, दैट इज 12 ईयर्स। कुछ साल पहले ही था, शायद 2018 में, आई डोंट रिमेम्बर टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद 2018 में वो फिर से हुआ था केरला में, फिर से ब्लूम हुआ था, आई डोंट नो दो। ठीक है चलो। हु वर्कड ऑन एम्ब्रायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी? किसने किया था एम्ब्रायोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट को पॉपुलराइज? पी गुहा, पी माहेश्वरी, इवानस्की, नीलकंठ। ओके, ये एनसीईआरटी का बाहर का क्वेश्चन है, ये मॉडल वाला क्वेश्चन है। ठीक है। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिनेट। द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स? समटाइम्स ए समटाइम्स बी। अच्छा, कुछ टाइम में ट्रू कुछ टाइम में फॉल्स हो सकते हैं। नीदर ए नीदर बी। अच्छा, ये कैसे होगा कि ये ट्रू भी नहीं है और फॉल्स भी नहीं है? ये ऑप्शन बहुत ही अलग सा है। एनी वे, बट दिस इज फॉल्स। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड स्टैमिनेट, ये वाला फॉल्स है। ठीक है, दिस इज पिस्टिलेट। इसके बाद 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म शेड देयर पोलन। अच्छा, ये वाला तो पोर्शन मैं ही पढ़ाई हूँ, है ना? नहीं, मैं डायसेक्ट में नहीं पढ़ाई हूँ, सॉरी, मैं इमर्ज के बैच में पढ़ाई हूँ। तो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म शेड देयर पोलन्स एट डैश सेल स्टेज। कौन से वाले स्टेज में शेड करते हैं? टू सेल स्टेज, थ्री सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज। फोर सेल स्टेज तो होता ही नहीं है, वन सेल स्टेज भी कुछ होता नहीं है। ठीक है, टू या थ्री, कौन सा वाला होगा? टू वाला है ना, वेजिटेटिव सेल्स देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई ए एंड ई इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो अगर ए एंड ई को ही सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोले हैं, सो ए वाला क्या होगा और ई वाला क्या होगा? ई में हम लोग क्या देख रहे हैं? ये अंदर वाला पोर्शन, राइट? तो ये अंदर वाला पोर्शन क्या है? व्हाट इज दिस? तीन लोग प्रेजेंट है। ठीक है, देखो, सो ए में हम लोग क्या देखते हैं? दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, है ना? और ई में हम लोग क्या देखते हैं? ई में कौन सा वाला प्रेजेंट है? दिस इज द टेक्टम, है ना, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो ए में है कहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू? अच्छा, यही है आंसर, डी इज द आंसर, क्योंकि एक ही में है कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ, उसी से पता चल जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि ये वाला, अच्छा ये वाला है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है लेकिन सोल्यूशन दिया गया है, आई थिंक सो। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिए हैं, सोल्यूशन दे दिए हैं, वेरी नाइस। चलो, इन सिकल सेल एनीमिया GAG इज रिप्लेस्ड बाय, किस चीज से रिप्लेस होती है? GUG, गैग से GUG हो जाती है ना? एक होती है रिप्लेस, एक कोड की। नाउ, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड होमोजाइगस रिसेसिव ऑटोसोमल एलील ऑन क्रोमोसोम 12 कॉजेस एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? द अबव फैक्ट्स रेफर टू। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, एंड यहाँ पे बताया गया है कि कौन से ऑप्शन होंगे, मतलब कौन से डिजीज यहाँ पे हो सकते हैं इसके ऊपर बेस करके। सो इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म क्या क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टर्नर सिंड्रोम, फिनाइलकेटोन्यूरिया एंड डाउन सिंड्रोम। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव ऑटोसोमल एलील ऑन क्रोमोसोम नंबर 12 कॉज एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, क्रोमोसोम नंबर 12, फिनाइलकेटोन्यूरिया, दैट इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है, बाकी सब देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक्युमुलेशन ऑफ फिनाइल, यहाँ पे तो लिखा ही दिया है कि फिनाइल पाइरुविक प्रेजेंट होते हैं, सो ऑटोमेटिकली एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशंस वेर मोर देन
one variant, that is allele, at a locus in a human population with a frequency greater than 0.01 is referred to as kya hoga? Incomplete dominance, no. Multiple allelism, no. यहाँ पे बताया गया है कि more than one allele at locus, at one locus, मतलब एक जीन बहुत सारे चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो किसमें हम लोग देखते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में, है ना? एंड mRNA also has some additional sequences that are not translated and not translated and are referred to as hi, learn, good evening, welcome to the session, are referred as untranslated region, that is UTR. The UTRs are present at kis taraf present rehte hain? 5 prime ke taraf, 3 prime ke taraf, ya to fir beech mein present rehte hain, yahi hoga shayad option, both before start codon and after stop codon. See, 3 prime end, 5 prime end, all of the above. Actually, देखो सब के सब ठीक है, सब के सब मतलब क्या होता है basically, ये है mRNA, इसके तरफ भी रहती है untranslated region, इस तरफ भी रहती है untranslated region, तो obviously 5 prime में भी होगा, 3 prime में भी होगा, both before start codon and after stop codon. So ये भी ठीक है, start codon के पहले रहता है और stop codon के बाद में रहती है, क्योंकि पहले UTR untranslated region को पहले रखा जाता है, उसके बाद start codon से शुरू होती है, ठीक है, coding, और फिर क्या होता है, stop codon आ जाता है और उसके बाद और भी synthesis होती है UTR region की, तो obviously all the above options are correct. 32D, yes, 32D, मैंने अभी देखा, actually मेरे सामने नहीं रहता है, मैंने मतलब ऐसे यहाँ पे रहती है, नीचे रहती है, तो इसीलिए मैं इंस्टेंट रिएक्ट नहीं कर पाती हूँ आपके चैट का. लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडस एंड इट रेगुलर स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपेरॉन, हेंस इट इज टर्म्ड एज. ओके, लैक्टोज क्या करता है? ऑन एंड ऑफ करता है, तो क्या होगा मेन उसका काम क्या होगा? इंड्यूस कर रही है ना? इंड्यूस का मतलब क्या होता है कि प्रभावित करना, ठीक है, काइंड ऑफ हम उसको ह्यूमन साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं? मैनिपुलेट करना. तो यहाँ पे केमिकल लैंग्वेज में क्या होता है? इंड्यूस करना, प्रभावित करना, ठीक है. हम लोग जैसे मैनिपुलेट करते हैं, हमारे नेता लोग, पॉलिटिशियंस लोग मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं जो एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, उसको ही बोलते हैं इंड्यूस करना, इंडक्शन करना, उनको प्रभावित करके उनसे काम करवाते हैं. तो यहाँ पे लैक्टोज ही बेसिकली यहाँ पे प्रभावित कर रहा है, वो एब्सेंट रहेगा तो कुछ और होगा, वो प्रेजेंट रहेगा तो कुछ और होगा, ठीक है. तो डी, इंड्यूसर विल बी द आंसर. नाउ चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पे ये देखना कि रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, ओके, सो वेल, two species may not live in same habitat. ये this question is very, तो फिर choose किसको करना है? wrong statement को choose करना है या correct option को choose करना है? देखती हूँ यहाँ पे किस हिसाब से लिखे answer किस हिसाब से दिए हैं. Two species may not live in the same habitat. The more, ये तो नहीं होगा, the more dissimilar the niches may not live in the same habitat. Yes, they can live. The more dissimilar the niches of two species, the stronger is their competition. No, dissimilar नहीं, similar अगर होते हैं niche तो stronger होते हैं competition. तो ये हो गया false. ठीक है, two species can occupy the same niche in geographical area. Can occupy the same niche in geographical area. No. Now, no two species may occupy the same ecosystem. Okay, so यहाँ पे correct option का मतलब कि wrong वाले जो statement का गुच्छा है उसी से correct option choose करो. Okay, so B will be the correct option according to the question. बहुत ही अलग तरीके की definition है. ठीक है, इतना इतना confuse नहीं करेगा, I guess NTA. I don't think ये question paper में बहुत ज्यादा confuse किया है.
कुछ कुछ बात. कैरिंग कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ हैबिटेट दैट हैज रिसोर्सेज टू सस्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके, कैरिंग कैपेसिटी में क्या है? हैबिटेट दैट रिसोर्सेज टू सस्टेन सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट्स ट्रू. पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस एंड, अच्छा, कैरिंग कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस एंड, अच्छा नहीं, पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस नहीं, इंडिविजुअल्स टू फिट. अच्छा, ये वाला होगा द करेक्ट ऑप्शन. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमिडिफिकेशन. नहीं, द चेंजेस दैट ऑकर इन सक्सेसिव स्टेजेस टू रीच अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी आर चेंजेस इन डाइवर्सिटी of species of organisms, increase in the number of species and organism, and increase in the total biomass. Which one will be the answer? Okay, so one second. The changes that may that occur in successive serial stages of to relax climate community, changes in the diversity and species of the organisms, yes. Increase in the number of species and organisms, yes. Increase in the total biomass, yes. So choose the correct option and successive stream. Okay, so 1, 2, 3, 1, 2, 3, D. A much smaller fraction of energy flows in the terrestrial ecosystem through grazing food chain. Which of the following pairs of geographical areas show maximum biodiversity in our country? Sundarban. नो, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी तो वहां पे नहीं है, सैलिनिटी बहुत है. ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न हिमालयस. वेस्टर्न हिमालयस, नो, ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट. या केरला पंजाब ने. What is the main cause for the extinction of some species in tropical forest? किस चीज के लिए हो रही है? एफोरेस्टेशन तो होगा नहीं, पॉल्यूशन के लिए भी हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके पास, उसके साथ फॉरेस्ट में पॉल्यूशन वहां तक उतना गया नहीं है. सॉइल इरोजन के लिए भी, फॉरेस्ट में सॉइल इरोजन का इतना कुछ रहता नहीं है. लैंड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन इज द मोस्ट लाइक मोस्ट अंडरस्टैंडेबल, मोस्ट रेस्पॉन्सिबल रीजन, ठीक है. Euro 2 norms were stipulated to control sulfur content at 350 ppm in dash and 15 ppm in dash, and aromatic hydrocarbons are to be contained at dash. Complete the given statement by choosing appropriate option for A to C. ठीक है, तो क्या होगा? Euro 2 norms stipulated to control sulfur content at 350 ppm. ये environmental issues में हम लोग पढ़े थे. 350 ppm in किस में? डीजल में, है ना? वो तो मतलब डीजल पेट्रोल, इससे पता चल रहा है डीजल में ज्यादा होगा, पेट्रोल में कम होगा, ठीक है. 150 ppm in petrol. So diesel and petrol. Okay, ये वाला. And after that, the aromatic hydrocarbon 42%. Consider the following statements. Kya hai following statements? Algal blooms are formed by free floating algae. That's true. Iske baad, algal bloom causes fish mortality and deterioration of water quality. That is also true. Water hyacinth, the world's most problematic. Yes, that is also true. Terror of Bengal. So 1, 2, 3, this is the correct option. Eutrophication is excessive. 6A. Yes, 6A. Eutrophication, okay, single cell protein is alternative protein source for animal and human nutrition. Formed, ठीक है, from certain beneficial microorganisms like spirula, methylophilus, methylotropus, candida utilis.
So single cell protein is an alternative protein source for animal and human nutrition formed from several beneficial microorganisms. So ये सब के सब beneficially हैं. So all of the above will be the answer. ठीक है. उसके बाद क्या है? DASH released by lab during growth coagulate and partially digest DASH. क्या होगा? Casein है ना? Casein को digest करते हैं. Lactic acid. DASH released by lab. ये होगा क्या? Lactic acid. लैक्टिक एसिड. तो अच्छा यहाँ पे लैक्टिक एसिड लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है? हियर ए एंड बी रेफर्स टू एसिड. ओके एसिड बेस करके लिखे हैं. एसिड एंड मिल्क प्रोटीन. ओके सो ये होगा क्या? लैक्टिक एसिड एंड दिस इज द कैसीन है ना. मिल्क प्रोटीन, एसिड एंड मिल्क प्रोटीन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा हो गया 12. 1 second रुक जाओ. हाँ यस. यस वी आर डन, वी आर डन. ठीक है तो आज के लिए इतना ही. कल हम लोग बाकी का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे. तुम लोग प्रैक्टिस करो, तुम लोगों का तो कोई डाउट रहता नहीं है. व्हाट कैन आई से, जस्ट मैं थक चुकी हूँ. ठीक है बस हो गया मेरा. मैं बहुत बोली हूँ तुम लोगों को, ठीक है, डाउट लाने के लिए. नाउ आई एम जस्ट गेट ओवर इट. सो हो गया मेरा. अब क्या बोलूँ तुम लोगों को, बोलने से कुछ फायदा है नहीं. सो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप रिकॉलिंग. ठीक है, मॉडल्स को देखो बहुत अच्छे से. वहाँ पे मेटा एकेडमी के मॉडल्स से बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज एंड रिकॉल हो जाती है. तो जितना हो सके मॉडल्स के थ्रू अगर आप रिवाइज करते हैं तो वो बहुत अच्छा है. इसके साथ साथ नोट्स को बहुत बार पढ़ो. फिजिक्स के फॉर्मूलेज को मत भूलना, और ऑब्वियसली जो थ्योरीज है उसको भी मत भूलना. ठीक है, ऐसा ना है कि तुम बस फॉर्मूला रट्टा मार रहे हो. थ्योरीज को भी अच्छे से पढ़ना, समझ के पढ़ना. केमिस्ट्री का भी तो सेम है. मैं उनका तो उतना कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन बायो का मैं इतना बोलूंगी कि रट्टा मारने से भी बहुत अच्छा होता है कि अगर आप समझ के पढ़ते हो. तो रिवाइज एंड रिकॉल इस बेसिस में करो कि तुम समझ के उसको, मतलब कितना तुम दिमाग लगा के फिर कर रहे हो. रट्टा मारने जाओगे तो बायोलॉजी, जो लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी को रट्टा मारना पड़ता है, तो वो लोग अच्छे से बायोलॉजी को भी पढ़े ही नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर आप समझ के पढ़ते हो ना, तो बायोलॉजी से अच्छी कुछ ब्यूटीफुल कुछ चीज होती नहीं है. नहीं, ब्यूटीफुल चीज होती है, लेकिन बायोलॉजी रट्टा मारने के लिए जरूरत नहीं होती है. ठीक है, सो रट्टा मारने की कोशिश मत करो, क्योंकि रट्टा कितना मारोगे, मतलब कितना ही तुम याद कर लोगे, इतना पॉसिबल नहीं होता है. एक एक वर्ड तुम एनसीईआरटी का याद नहीं कर सकते. हाँ, अगर तुम कर सकते हो तो देन वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि समझ के पढ़ो. ठीक है, क्योंकि अगर इधर उधर से घुमा के अगर क्वेश्चन कर दिए, हो ही सकता है, क्योंकि लास्ट कुछ सालों से ऐसा हो रहा है, 2-3 सालों से 720 out of 720 आ रही है. तो अगर उनका दिमाग घुमा के है, नहीं ठीक है अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे अच्छा खासा, ठीक है, तो हो ही सकता है कि कुछ इधर उधर सा, मतलब इधर उधर से सिलेबस के बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है. ठीक है, सिलेबस के बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है. बस मिक्स एंड मैच करते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एडअप करके, बायोटेक्नोलॉजी का कुछ एडअप करके फिर एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक मिक्स एंड मैच वाला क्वेश्चन हो जाता है. नथिंग इज, ठीक है. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. बाय.